बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्या स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CBSE से रिलेटेड कुछ अपडेट। जैसा कि आपको कल न्यूज़ के जरिए मिल गया है कि आपके जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो आपके एग्ज़ाम होने वाले थे वो कैंसिल हो गए हैं। क्यों हुए हैं? आपको पता है कि कोरोना के जो केस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस कारण। और यहाँ पे देखिए, 10वीं क्लास के बच्चे और जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग न्यूज़ हैं। 10वीं क्लास के बच्चों का अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आगे भी, और वो पूरी तरीके से मतलब क्या होगा, प्रमोट किए जाएंगे जो भी है उनका आधार लिया है, और उनसे उनको पेपर नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, यहाँ पे इनके लिए थोड़ा सा समझना है। ये कहा जा रहा है कि 12वीं क्लास के बच्चे कैसे पास होंगे, तो यहाँ पे दो तरीके से कहा गया है कि आपके जो पेपर होंगे वो ऑप्शनल कर दिए गए हैं। यानी कि आप पेपर देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो भी ठीक है। अब पास कैसे किया जाएगा? लास्ट 3 परीक्षाओं के अनुसार। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और हम में भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जब तक CBSE का ऑफिशियल एक बार लिखित में ऑर्डर आज नहीं आ जाता, आज आने वाला है ऑर्डर, वो ऑर्डर आ जाएगा, उसको पढ़ के थोड़ा सा कन्फर्म और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, दो तरह की जो कन्फ्यूज़न है कि पिछले जो आपके 3 बोर्ड एग्ज़ाम हुए, जो आपने अभी दिए होंगे बोर्ड एग्ज़ाम, उनके आधार पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, या आपके जो इंटरनल 3 एग्जाम हैं उसके आधार पे दिए जाएंगे। जैसे कि इंटरनल, जैसे मान लो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम हुए हों, या उससे पहले आपके कोई SA1 के एग्जाम हुए हों, या फिर और कोई एग्जाम हुए हों, किसके बेस पे दिए जाएंगे, ये आपके सामने समस्या है। तो देखिए, जहां तक मैंने जानकारी इकट्ठी की है, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर आप न्यूज में देख रहा था कल मैं, आप जी न्यूज देखना एक बार, जी न्यूज में सुधीर चौधरी जो है उनका DNA जो शो आता है, ठीक है, उसका किसी बच्चे ने मुझे लिंक भेजा था, तो मैंने उसी वीडियो को देखा था। उसमें ये बताया गया उन्होंने, यानी कि मेन स्ट्रीम के जरिए जो न्यूज़ आई है उसमें ये बताया गया कि आपके इंटरनल जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बेस पे होगा। इंटरनल बेस मतलब जैसे आपका प्री बोर्ड हो गया, या आपका उससे पहले का एग्जाम हो गया, या उससे पहले का एग्जाम हो गया, कुछ इस बेस पे आपके मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन कुछ जैसे कि यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, उन पे बताया जा रहा है कि जो आपके 3 बोर्ड एग्जाम हुए हैं उस पे। फिर दूसरे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में भी यही बताया गया कि 3 जो आपके 3 परीक्षाएं हुई हैं। अब वो 3 परीक्षाएं ये समझ में नहीं आई कि आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं 3, या फिर आपके मतलब इंटरनल वाले पेपर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है। ठीक है, आप DNA शो देखना, शायद आपको वहाँ पे कुछ जानकारी मिल जाए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैंने दोनों जगह पे पढ़ा है, थोड़ा सा अलग अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं श्योर होकर कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप एक बार क्या करिए, आज जो CBSE का एक बार ऑफिशियल ऑर्डर आ जाएगा, वहाँ पे क्लियर लिखित में आ जाएगा, वहाँ से हम समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या आपको एक चीज़ समझनी है, 2-3 कमेंट आई है, मैं आपको उस कमेंट पे समझा देता हूँ। एक बच्चा ये कह रहा है मुझे कि सर, मेरा होम साइंस का पेपर बचा हुआ है। ठीक है, होम साइंस मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है, क्या मुझे पेपर देना ठीक होगा या नहीं होगा? देखिए, मान लीजिए आप DU वगैरह में जाते हो, ठीक है, DU में जाते हो एडमिशन लेने, तो वहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट आप वैसे भी परसेंटेज के लिए नहीं जोड़ते हो, और अगर आप जोड़ते हो तो आपके 2.5% मार्क्स कट जाते हैं एडिशनल के, तो वहाँ पे आप मेन सब्जेक्ट ही जोड़ते हो हमेशा। तो अगर आपका केवल एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर रह रहा है, तो मेरी नज़र में ये है कि आप ना दें पेपर तो ठीक है, क्योंकि आप पास तो हो जाओगे और आपका रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के पेपर रह रहे हैं, और मान लो आपको ऐसा लगता है, देखिए क्या होगा कि पहले कहा जा रहा है, पहले आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। रिजल्ट कब अनाउंस होगा किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जब तक CBSE की तरफ से डेट नहीं आएगी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक सूत्रों के हवाले से आप समझ सकते हो कि मतलब कहीं से न्यूज़ ऐसी लगी है कि शायद 15 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। देखिए, मैं शायद लगा रहा हूँ, कन्फर्म नहीं हूँ कि 15 जुलाई तक ही आएगा, हो सकता है ऊपर हो जाए थोड़ा सा, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 15 जुलाई तक शायद आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, आपने अपने सब्जेक्ट के नंबर देखे, 4 सब्जेक्ट के आपने पेपर दे रखे थे, 2 सब्जेक्ट के आपने पेपर नहीं दिए, ठीक है, 4 के आपने पेपर दिए हुए थे, 2 के आपने पेपर नहीं दिए। अब आप उन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स देखोगे, आपको लगेगा कि भाई मान लो आपके 70 नंबर आए हैं उसमें, 70 70, आपको लगता है कि भाई मैं तो 80 या 90 के लायक था, पर मेरे तो मार्क्स केवल 70 आए हैं, ये तो बहुत कम मार्क्स आए हैं। उस आधार पे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, अपना इम्प्रूव कर सकते हो आप अपने एग्ज़ाम के लिए। वो आपके एग्ज़ाम कब होंगे कोई डेट अनाउंस नहीं है, क्योंकि वो CBSE ने ये कहा है हम एग्ज़ाम तब लेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए जब आपका जब मतलब हालात सामान्य हो जाएंगे। देखिए, जुलाई तक हालात सामान्य नहीं हुए, अगस्त में होंगे नहीं पता, सितंबर में होंगे नहीं पता, भगवान करें जल्दी हो जाए, लेकिन कब होंगे हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप अगर जैसे मान लो आप एग्जाम देना चाहते हो, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझनी है। मान लीजिए आपने रिजल्ट आपका आ गया, आपने रिजल्ट ले लिया,
आप सेटिस्फाई हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आपको आगे कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, आप आगे अपना जो करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आप चाहते हो कि भाई नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं अपना एग्ज़ाम दूंगा, मेरे दो सब्जेक्ट के पेपर है, मैं अपना एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, एक प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, आपको वेट, आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस ये होगा। उसके बाद क्या होगा, सीबीएसई जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, एक डेट शीट अनाउंस कर देगी कि भाई हम इतनी अगस्त को या इतने सितंबर को या इतने जुलाई को, या इतने जुलाई में तो शायद ना ही होगा, इतनी तारीख को हम अपना पेपर लेंगे। अब आपके सामने डेट शीट आएगी, फिर अगर उस डेट में पेपर हो जाता है बिना किसी रुकावट के, तो आप पेपर दे के आओगे, ठीक है। अब आप इस प्रोसेस को समझिए, सीबीएसई सिचुएशन को देखकर फैसला लेगी, एक डेट शीट अनाउंस करेगी, आप क्या करोगे, उस डेट पर अपना एग्जाम दोगे। जब आप अपना एग्जाम दोगे, उसके बाद आपकी कॉपियां होंगी, कॉपियों को कोई टीचर चेक करेंगे, जब टीचर उनको चेक करेंगे तो उसके मार्क्स बनाए जाएंगे, ठीक है। मार्क्स जो भी आएंगे, फिर आपके पुराने रिजल्ट में जो मार्क्स थे, जैसे मान लो 70-70 आपके मार्क्स थे और आपने इम्प्रूव कर लिया, आपके 75-75, 80-80 या 90-90 जो भी नंबर आ गए, आपके पुराने मार्क्स को हटाया जाएगा, नए मार्क्स को डाला जाएगा, यानी कि आपकी मार्कशीट भी एक बनेगी दोबारा, इम्प्रूवमेंट वाली यही होती है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट के बारे में पता हो तो, वैसे चलो मैं इम्प्रूवमेंट का आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। मान लो आपने 2020 में एग्जाम दिया, आपके एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में नहीं आए अच्छे नंबर, तो आप चाहते हो कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट भरूँ, तो आपको एक फॉर्म निकलता है सीबीएसई का, उसको आप 100-150 रुपये शायद फीस होती होगी, उसकी सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, आप जितने सब्जेक्ट के लोगे उतनी फीस आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप उसकी फ़ी पेमेंट करके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इंप्रूवमेंट देना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होता है, अगले साल जब बच्चों के पेपर होते हैं उसके साथ आपका क्या होता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम हो जाता है, और रिजल्ट भी आपका उन्हीं के साथ आ जाता है जब नए बच्चों का आता है, यानी कि आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत लंबे प्रोसेस से इंप्रूवमेंट जो होता है। लेकिन यहाँ पे जो हालात है वो थोड़े से अलग है, तो लेकिन फिर भी आपका एक पहले वाले रिजल्ट में और दूसरे वाले रिजल्ट में एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो वो चीज़ आपकी लेट हो सकती है। और आप जानते हो कि ऑलरेडी हम कितना लेट है, जुलाई में आपके ये लगा लो कि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो आपका रिजल्ट आज कब का आ चुका होता, अभी तक आप कॉलेज के एडमिशन के लिए सब कुछ रजिस्ट्रेशन भी आपका पहले हो चुका होता, और हो सकता है कि अब आपका कट ऑफ आने का टाइम हो जाता, आपकी कट ऑफ आती और आप एडमिशन करा रहे होते अगर आप रेगुलर में जाना चाहते हो। इसके अलावा आप किसी कोर्स में जाना चाहते हो तो आप कुछ और होता, सब कुछ मतलब अलग होता। लेकिन जैसे ही ये मतलब सिचुएशन हो गई है ये कोरोना केस के चक्कर में, तो यहाँ पे सब कुछ अलग हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। एक चीज़ और समझिए, आप एक चीज़ और समझिए, ठीक है। आपने एक बार वो डीएनए जो मैंने आपको न्यूज़ बताया, जी न्यूज़ डीएनए, मैंने वहीं से देखा था, मुझे किसी बच्चे ने लिंक भेजा था, मैंने उसे पूरा देखा है। आप भी एक बार उसे प्लीज़ पूरा देखें, मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा अगर आप हमारे ग्रुप में हैं, तो उसे देखिए, समझने का प्रयास करो क्या समझाना चाह रहे हैं वो। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सबसे बड़ा बच्चे के दिमाग में ये है कि क्या ये जो पेपर 1 से 15 जुलाई में होंगे, बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है। तो देखिए, 1 से 15 जुलाई में आपके कोई एग्जाम नहीं होंगे, वो कैंसिल हो चुके हैं। नई डेट तब आएगी जब सिचुएशन सामान्य हो जाएगी, यानी कि हालात जो है सामान्य हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको ये समझ में आई होगी। और बाकी आप क्या करो, बिल्कुल टेंशन ना लो फिलहाल, जब इतने दिन वेट करा है तो आज का दिन और वेट करो, ठीक है, आज का दिन वेट करो। सीबीएसई ने कहा था कल कि आज की तारीख में, आज के डेट में आपको एक प्रेस रिलीज या फिर आपका एक सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा, उस नए सर्कुलर के अनुसार आपको जो भी ये बातें हैं ना, जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में है, आपके दिमाग में है, या फिर बहुत सारे मतलब आपके यूट्यूब के जरिए या कैसी भी न्यूज़ मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इन चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको सीधा वो प्रेस रिलीज को अच्छे से पढ़ना होगा। जब वो आ जाएगा तो हम आपको वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आप आते के साथ ही बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, आप सभी की वीडियोस को देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना, ठीक है। हम आपको समझा देंगे और बाकी भी समझा देंगे, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद ही फैसला लेना है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो होना था अच्छा हुआ है, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ये समझ लो कि बहुत कुछ मतलब ठीक हुआ है, क्योंकि हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है इस समय, बहुत दिक्कत में। अगर एक भी बच्चा प्रभावित हो जाता है इससे तो भाई बहुत बुरा हाल होगा, समझ गए। एक बच्चे से कईयों कई स्टूडेंट को फैल सकता था कोरोना, अगर एग्जाम होता तो। बाकी जो भी फैसला है वो सही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी।